जोइन किया सेंस डे वन मैंने उनको देखा है तो उनकी जो कंडीशन थी जिस समय उन्होंने इस बिजनेस को एज ए अपॉर्चुनिटी लिया वो बहुत ही एडवर्स सिचुएशन थी बहुत ही दर्द मतलब बहुत स्थिति खराब थी मैं कहूँ तो अब ये मैं सारा चीज नहीं बताऊंगा क्योंकि वो जब अपनी जीवन की इस त्यास जर्नी को कैसे त्यास ने इनके जीवन को बदल दिया वो अपने मुख से अगर कहेंगे तो ज्यादा सही रहेगा तो मैं इतना कहूंगा कि जिस समय उन्होंने त्यांश को ज्वाइन किया उस समय हालात उनके बहुत सही नहीं थे बहुत ही खराब स्थिति थी मगर उनके विश्वास ने उनके लगन ने और उनकी मेहनत ने और उनके जज्बे ने ये करके दिखाया कि उन्होंने जो चाहा वो इत्यांस प्लेटफॉर्म से हासिल किया है तो हम अभी हमारे पास में 422 लोग इस समय जुड़ चुके हैं और चार मिनट से हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी हमारे साथ में पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं प्लीज अपने ग्रुप में अपने लोगों को इनवाइट करें और मैक्सिमम लोग आज इस सेशन में आ, हमारे साथ में जुड़े तो मैंने अभी आपको बताया कि मिस्टर अरविंद कुमार पांडे जी ने जो इस त्यांस बिजनेस को ज्वाइन किया उस समय उनके हालात सही नहीं थे बिल्कुल वो एक साधारण जीवन शैली को ये समझ लीजिए कि बहुत ही खराब स्थिति थी मगर त्यांस में उन्होंने जो करके दिखाया जो हासिल किया जो अचीवमेंट की वो अपने आप में अद्भुत है बाकी जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं जितने लोग उन्हें आज सुनेंगे उनके लिए एक जीवन को ट्रांसफर करने के लिए एक गवाही होगी एक पॉजिटिव एक एनर्जी आप लोगों को उनकी बातों से जरूर मिलेगी ऐसा मैं विश्वास करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आज का ये पोस्ट पैंडमिक अपॉर्चुनिटी जो है आप लोगों के, के जीवन पे जितने लोग नए जुड़ रहे हैं उनको एक रोशनी का काम आपके लिए होगा तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए यहाँ पर आज एक पर्सनालिटी मिस्टर अरविंद कुमार पांडे जी को बुलाना चाहूंगा। तो मैं यहाँ पर आप लोगों का सहयोग चाहूंगा कि प्लीज आप सब मेरे को मेरे साथ में सहयोग करें कि मैं अरविंद कुमार पांडे जी को आज आपके बीच में बुलाने पाऊ तो वेलकम मिस्टर अरविंद पांडे जी मैं आपका स्वागत करते हैं हम सब मिलकर के आज आपको इनवाइट करते हैं इस सेशन के लिए और थैंक यू थैंक यू विनोद जी थैंक यू सो मच ओवर टू यू पांडे जी नाउ यू कैन स्टार्ट द सेशन ऑल द बेस्ट थैंक यू थैंक यू विनोद जी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू और मुझे उम्मीद होगी आप सभी लोग बहुत अच्छे बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और आज मैं धन्यवाद दूंगा टियांस इंडिया मैनेजमेंट को कि जिन्होंने ये मौका दिया ग्रैंड ओपीपी करने का हमें और हम अपनी पूरी टीम के साथ एक पावरफुल तरीके से टियां को जानेंगे कि क्या टियांस है किस तरह से हम इसमें अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपना परिचय दूंगा मेरा नाम ए के पांडे है और मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ मेरा आ, बर्थ प्लेस आजमगढ़ है लेकिन कर्मस्थली हमारी कानपुर रही <clears throat> और कानपुर से ही अपनी लाइफ को मैं किसी तरह से काट रहा था सरवाइव कर रहा था बचपन में मैं पोस्ट ग्रेजुएट कॉमर्स से था नौकरी नहीं की बड़े सपने थे और सबसे बड़ी चीज ये थी कि मैं उसी टाइम में मेरे को ये पता चला कि सेल्स की दुनिया में कुछ बड़ा किया जा सकता है तो सेल्स में मेरे को एक चीज दिखी एल एजेंट तो मैं एक एल एजेंट बन गया था और दोस्त 11 साल लगातार मैंने एल को दिया अपने जीवन के बहुमूल्य 11 साल एल को दिए और एल करते करते ही हमारे घर में तमाम समस्याएं आई समस्याएं के रूप में सबसे पहले हमारे पापा ब्रेन कैंसर में एक्सपायर कर गए बहुत अर्ली एज सारे हेल्थ के चैलेंज थे फ्रेंड्स हमारे घर में और हमारा छोटा सा बिजनेस था वो ख़त्म हो गया हम बिल्कुल लोअर क्लास से बिलोंग करते थे लोअर मतलब गरीबी रेखा के नीचे वाले बीपीएल कार्ड धारक थे और वहां से इस जर्नी को स्टार्ट किया इंश्योरेंस एजेंट था मैं डेली डे दे आपको बताना चाहता हूँ फोर्टी टू की एज तक मैं केवल साइकिलिंग किया मैंने मैंने कभी ना तो सपने देखे थे ना बड़ी गाड़ी के ना छोटी गाड़ी के ना मतलब मोटरसाइकिल के भी ड्रीम्स नहीं हुआ करते थे और ये सारा कुछ जो मिला है आज आप देख रहे हैं या जो लाइफ दोस्तों आज मैं व्यतीत कर रहा हूँ इसके लिए हमने कभी अपने सपने में भी ड्रीम्स में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा या कभी होना चाहिए तो ये सब कुछ हो पाया है केवल टियांस की वजह से फ्रेंड्स वो पूरी स्टोरी हम आपको शेयर करेंगे और जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है जो किसी की भी लाइफ को टर्न कर सकती है तो फ्रेंड्स मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ पापा हमारे बहुत अर्ली एज एक्सपायर हो गए मम्मी को मेरे हार्ट की प्रॉब्लम आई और जब मम्मी को हार्ट की प्रॉब्लम आई तो उसी समय टियांस से मेरा परिचय हुआ और तब तक हमारे हालात बहुत खराब थे फैमिली में फाइनेंशियल क्राइसिस एक्सट्रीम लेवल पे था आ, कुछ छोटी छोटी चीजें मैं बताऊंगा जैसे मैं एक एक साल अपने गैस का सिलेंडर नहीं भरवा पाता था तीन चार साल से बिजली का बिल नहीं दे पाया था बिजली कट गई थी कटिया कनेक्शन से खाना चलता था और हीटर पे बनता था खाना मतलब बहुत स्ट्रगल था जो दो चार पाँच हजार आठ हजार दस हजार से ऊपर कभी भी एल से अर्निंग नहीं हुई तो एल की अर्निंग में एक प्रॉब्लम क्या थी कि जो हम अर्न करते थे उतना किसी न किसी को हमें एज ए डिस्काउंट एज ए कमीशन हमें छोड़ना पड़ता था तो हमारी अर्निंग भी पूरी उसी में चली जाती थी किसी तरह से लाइफ को हम दोस्त सर्वाइव कर रहे थे ऐसे में ही जब हमारी मदर को हार्ट अटैक पड़ा तो फरिश्ता के रूप में मैं बोलूंगा हमारे ही ग्रेट अपलाइन जो आज इस दुनिया में नहीं है मनीष शर्मा जी ने मुझको इस अवसर को देखने और दिखाने के लिए बोला कि एक कंपनी है जो नेचुरल तरीके से हेल्थ केयर पे काम करती है और अगर आप कुछ इक्विपमेंट्स हैं फूड सप्लीमेंट्स हैं अगर आप उसका यूज करें तो मम्मी को ऑपरेशन से बचाया जा सकता है दोस्तों बस ये सुनना था मैंने कहा सर कहाँ क्या करना होगा तो उन्होंने मेरे से बोला कि आपको डेली चलना होगा हमने कहा ये तो और प्रॉब्लम है हजार पांच सौ का खर्चा पहले ही आप देखने जाने बता रहे हैं कहने लगे आप टेंशन ना करो मैं चल रहा हूँ आपको अपने साथ ले जाऊंगा और दोस्त मनीष शर्मा जी ने मुझको अपने साथ डेली लेके गए वहां पे एक छोटा सा प्रोग्राम हो रहा था उस प्रोग्राम में हमने अटेंड किया अटेंड करने के बाद देखने के बाद वहां पे केवल एक चीज हमें अच्छी लगी कि जो लोग भी टियांस को कर रहे थे उनका स्वास्थ्य हमसे अच्छा था और उनका रहन सहन हमसे अच्छा था हमने अपने को वहां पे बहुत गरीब फील किया कि यार हम जीवन में एल करके इतने गरीब हैं और ये लोग टीआनसी करके इतने अच्छे लाइफ स्टाइल अच्छे कपड़े एजेंट को ये सब कभी सिखाया बताया नहीं जाता था और वहाँ पे सारे लोग सूटेड बूटेड आए हुए थे तमाम सारे लीडर थे जितने भी इंडिया के थे मैं तो देख के हैरान हो गया मैं कहा बहुत अच्छी इंडस्ट्री है तो हमने उस दिन ये डिसाइड किया कि इंडस्ट्री अच्छी है उसके बाद दोस्त आकर के हमने किसी भी तरह एक अपने फ्रेंड को सेट किया और एक छोटा सा हमने ऑफिस लिया ऑफिस लेकर के उन्हीं के थ्रू हमने बी सी एम हेडकेयर परचेज कराया और परचेज करा के आपको मैं बताना चाहता हूं कि वो हमसे पहले स्टार फोर हो गए थे और मैं स्टार वन था और स्टार वन की भी हमारी कहानी बड़ी अद्भुत है मनीष जी ने बोला कि, मैं, मैं कि तो चलिए दो लोगों ने छ छो रुपए मिला करके दोस्तों मेरी ज्वाइनिंग लगाया क्योंकि पहले टियांस में किट बारह सौ की आती थी ज्वाइनिंग बारह सौ के होते थे मैंने उस टाइम में जनवरी दो हजार सात में हमने इस बिजनेस को शुरू किया नवंबर में वो सेमिनार देखने हम 2006 में गए थे दिल्ली और जनवरी 2007 में दो लोगों की मदद से टियांस की हमको आईडी मिली टियांस की हमें आईडी मिली और हम टियांस बिजनेस को करना शुरू किए और दोस्त बिजनेस कुछ नहीं कर रहे थे उस समय तक केवल एक सपना था कि हमारी मम्मी ठीक हो जाए आज मैं आपसे सारी चीजें शेयर करूंगा उस समय तक केवल हमारा एक ड्रीम था कि हमारी मम्मी ठीक हो जाए और हम खूब शिद्दत से जिमनिमा ओमेगा और ये सारी चीजें प्लस बी सी एम हेड केयर अपनी मदर को कराना शुरू किया उस समय एक प्रोडक्ट और आता था, था सेल रेजुनेशन सेल रेजुनेशन हमने मम्मी को दिया सारी चीजें दी और उसका नतीजा ये हुआ दोस्तों तीन महीने लगातार फूड सप्लीमेंट और अपनी बीसीएम मशीन को यूज कराने के बाद जब मैं दोबारा कार्डियोलॉजी कानपुर हृदय रोग संस्थान कानपुर में गया मम्मी को चेक कराने के लिए तो वहां पे मैंने डॉक्टर ने हमको बहुत डांट लगाई कि आपको चार महीना छह महीना पहले बोला गया था बाईपास सर्जरी कराना है और जब पेशेंट मर जाते हैं तब आप लाते हो हमने कहा सॉरी डॉक्टर साहब मेरे पास पैसे नहीं थे और माँ का मामला है कि हाँ पैसे की व्यवस्था हो गई मैंने उस समय भी झूठ बोला मैंने कहा हाँ हो गई क्योंकि मैं डर रहा था कि मम्मी के साथ क्या हो रहा है पहले हमें चेक कराना चाहिए तो दोस्तों डॉक्टर साहब ने रोका एंजियोग्राफी कराई और शाम को इंजियोग्राफी की जब हमको रिपोर्ट मिली मैं रिपोर्ट लेकर के डॉक्टर साहब के दिखाया उन्होंने कहा कि नो नीड बाईपास सर्जरी इनको बाईपास सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है दोस्त उस दिन से हमें भगवान रूप दिखने लगा कि यार इस कंपनी की वजह से आज हमने फ्री में अपने मम्मी के पचास साठ हजार रुपए बचाए हैं तो मैं तो ये मानता था कि मैंने पचास साठ हजार कमा लिए हैं और दोस्त मम्मी को बाईपास लास्ट डे ऑफ लाइफ तक हमें नहीं कराना पड़ा और मम्मी स्वस्थ हुई पूरी तरह से हार्ट डिजीज खत्म हुई डायबिटीज नॉर्मल रही खूब हेल्दी लाइफ उन्होंने एंजॉय किया वहीं से मेरे को लगा कि अगर हम अपनी माँ को ठीक कर सकते हैं तो हमारे देश में लाखों करोड़ों माँ भाई बाप पिता तमाम ऐसे बेचारे असहाय लोग हैं जिनको इस रियल हेल्थ की जरूरत है दोस्तों वहीं पर फिर मैंने टियांसी को स्टार्ट किया करना हमने जा जा करके, चुकी मैं ना तो साइंस से था ना तो हेल्थ की कोई जानकारी थी तो अपने मोहल्ले में बहुत ज्यादा हो नहीं सकता था हम इसको लेके बाहर बाहर निकलने शुरू किए हमने इसको बिहार में बंगाल में झारखंड में बनारस में इलाहाबाद में कि घर से बाहर करेंगे कोई हंसेगा नहीं दोस्तों ध्यान रखना कि इस बिजनेस को अगर अच्छा करना है तो अपने घर वालों से अपने मोहल्ले वालों से अपने पड़ोसियों से अपने रिश्तेदारों से शुरू में बात मत करना अदरवाइज वो आपको इतना कर देंगे डोमिनेट कर देंगे क्योंकि पूरी नेगेटिव दुनिया है हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा था फिर मैंने कहा नहीं जब हम अपनी मम्मी को ठीक कर सकते हैं तो हजारों मम्मियों को ठीक कर लेंगे हम ले करके इस बिजनेस को दोस्तों बाहर बाहर किए और धीरे 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 मेरा टारगेट था मैंने जो भी टारगेट जो भी मन में ड्रीम लिया उसको दोस्तों इससे पूरा किया मेरा टारगेट था फर्स्ट मंथ में वन स्टार हूं मेरे को टू स्टार करना है मैंने टू स्टार किया थ्री स्टार किया फोर स्टार किया फाइव स्टार किया ऐसे करते 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 दोस्तों आज फाइव फोर स्टार गोल्ड लैंड हूँ बहुत जल्दी फाइव स्टार गोल्ड लैंड डायरेक्टर बनने जा रहा हूं और हमारी ऑलमोस्ट नाइन लेक्स स्टार एट है दसवीं लेक में बहुत थोड़ा सा बिजनेस कम है वो दसवीं भी स्टार रेट हो जाएगी और डायरेक्टर तो अपने आप होता है डायरेक्टर कोई करता नहीं है डायरेक्टर और एच अपने से होता है अगर आपको लीडरशिप आ गई तो अगर आपके अंदर लीडरशिप हो गया तो एच और डायरेक्टर किसी को करना नहीं पड़ता है वो अपने आप हो जाता है इस बिजनेस में जो कुछ करना है आपको फाइव स्टार गोल्ड लाइन तक करना है दोस्तों तो ये मेरी छोटी सी जर्नी थी इसके बाद मैं अपनी सक्सेस स्टोरी को शेयर करूंगा दोस्तों साइकिल से एक साल मैंने टियांस बिजनेस शुरू करके एक साल टियांस बिजनेस शुरू किया था मेरे को कैमरे का अवार्ड मिला तो दोस्तों में वहां से हमारे घर में खुशियां आना शुरू हुई पहला अवार्ड हमको कैश मिला था कंपनी से तो मेरे घर में कंप्यूटर आया दोस्तों मेरे घर में पिछले 12 साल से टीवी नहीं था तो मैंने कंप्यूटर लिया अपने बच्चे के बर्थडे में दिया और उसमें टीवी ट्यूनर लगा के हमारी पूरी फैमिली कंप्यूटर में टीवी भी देखती थी और कंप्यूटर से बच्चे सीखते भी थे और सारा काम भी करते थे उसके बाद दूसरी मेरे घर में खुशहाली तब आई जब मात्र को साल मैंने किया था मैंने नई डिस्कवर मोटरसाइकिल किस्तों पे खरीद ली इतनी हिम्मत जुटा ली कि अब हम मोटरसाइकिल की किस्त भर सकते हैं दोस्तों हमने बाइक खरीदी बाइक खरीदने के बाद बिजनेस में और स्पीड आई धीरे धीरे करके मैं और तेजी से काम करने लगा इलाहाबाद लखनऊ कानपुर फर्रखाबाद कन्नौज मतलब हंड्रेड से टू किलोमीटर तक मैंने बाइकिंग की थ्री थ्री हंड्रेड तक मैंने बाइकिंग की और दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिजनेस में जब मेरे पास बाइक नहीं थी तो एक साल लगातार हमने साइकिल से BCM को ढोया है और साइकिल मैं वो दिन याद करता हूं तो साइकिल से बीसीएम ढोई थैंक यू दोस्तों धीरे 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 करके बाइक से आ नए लोगों के लिए इंस्पिरेशन ये जब मैं बी साइकिल से ढूंढता था तो मेरे को ये पता नहीं था कि मेरे घर में पांच पांच लक्जरी कार आए दोस्त धीरे धीरे करके उसी सा, एक साल साल एक काम करने के बाद मेरे घर में पहली लग्जरी कार आई स्विफ्ट डिजायर और वहां से हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ धीरे 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 करके हमने बिजनेस को कैरी ऑन किया थैंक यू थैंक यू तो फ्रेंड्स शुरुआत में बहुत दर्द रहता है आज जो लाइफ जो इनकम हम एंजॉय कर रहे हैं उसके लिए हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे साथ क्या ऐसा करे धीरे धीरे दोस्तों उसी साल हमने बीएमडब्ल्यू अवार्ड विन किया मेरे घर में सेकंड कार आई फिर मैंने थर्ड फॉर्च्यूनर लिया फिर फोर्थ ऑटोमेटिक मेरे पास आज चार चार लग्जरी कार्स हैं हम सभी को इंजॉय कर रहे हैं पूरी फैमिली के साथ और फिर इसके बाद अगर हम अचीवमेंट की बात करते हैं इंटरनेशनल टूर की तो फ्रेंड्स से लगभग 53 कंट्री मैंने इंटरनेशनली विदेश यात्रा की है जनरली जितना भी मुंह में नाम आता है टियांसी ने पूरी दुनिया घुमाई दोस्तों फ्रांस लंडन पेरिस कहा कौन कौन जगह हम नाम भी नहीं जानते इंडोनेशिया मलेशिया होंगकोंग सिंगापुर जो मन में नाम आए आप लीजिए वहां मैं गया हूँ और सबसे बड़ी बात से पहले कभी भी मैं हवाई जहाज पे नहीं बैठा कभी भी मैं एसी ट्रेन में नहीं गया था तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि कहां से कहां आपकी लाइफ जा सकती है इस अपॉर्चुनिटी पर जिसकी कि कोई कल्पना नहीं है फ्रेंड्स धीरे धीरे करके फिर मैंने अपने घर को अच्छा किया लखनऊ में अभी पूरा कंपनी का फर्स्ट क्लास का मैंने फाइव करोड़ की प्रॉपर्टी खड़ी की है जिसमें का एक लग्जरियस ऑफिस जो कि मेरे लिए मंदिर है बनाया नोएडा में मैंने अपना मकान लिया कानपुर में किया और दुनिया की जो चीज मैं चाहता हूं अब उसको कर लेता हूं जो लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं जो लाइफस्टाइल दोस्तों हम जी रहे हैं इसके लिए हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा मेरे साथ होगा तो ये बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है बस एक फार्मूला है दोस्तों मैं सबको कहता हूं इस पैनल में जुड़े जितने लोग भी आज हमारे पास सात 800 लोग हैं केवल इस बिजनेस में कामयाब होने का एक फॉर्मूला मैं सबको दूंगा एक कहानी के माध्यम से अगर जिस जिस व्यक्ति ने कहानी आज याद कर ली मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि उसके साथ भी ऐसा ही होगा जो हमारे साथ हुआ है या हो रहा है हंड्रेड परसेंट केवल एक कहानी है दोस्तों मैं कई बार स्टेज से भी सुना चुका हूं लैला मजनू की कहानी लैला थोड़ी सांवली थी और मजनू अच्छा था तमाम लोगों ने दोस्तों उनके पिताजी ने घर वालों ने का कहा काली कलूटी लैला के पीछे पड़े हो मजनू तुमको एक से एक अच्छी लड़कियों से शादी करवाता हूँ एक लड़की ये एक लड़की एक से एक सुंदर लड़कियों से पिताजी उसके पिताजी नहीं माने पिताजी ने कहा कि ठीक है मैं अनाउंस कराता हूँ जितनी अच्छी लड़कियां हैं जो शादी करना चाहती हैं तुमको तुम्हारे लिए मैं बुलाता हूँ लैला के पिताजी ने सॉरी मजनू के पिताजी ने मोहल्ले में तमाम अपने कई भाषाओं कई अच्छे शहरों में कहवा दिया कि हम अपने मजनू की शादी करना चाहते हैं दोस्तों पच्चीसों लड़कियां खड़ी हो गई एक से एक सुंदर पर्सनालिटी हाइट एजुकेटेड हर तरह की लड़कियां आई और मजनू केवल जाता था एक लड़की को देखता था और कहता था पापा ये लड़की तो बहुत सुंदर है बड़ी अच्छी है लेकिन मेरे लैला जैसी नहीं है ये लड़की बड़ी गोरी है पापा बट मेरे लैला जैसी नहीं है ये लड़की बहुत स्मार्ट है बट मेरे लैला जैसी नहीं है ये लड़की बहुत एजुकेटेड है हायर क्वालिफाइड है बट दोस्तों मेरे लैला जैसी नहीं है दोस्तों जिस दिन आपके मन में ये आ गया कि मैं मजनू हूं टियांसी हमारी लैला है और आप ये बोलना शुरू कर दिए कि मेरी लैला जैसी पूरे दुनिया नहीं पूरे ब्रह्मांड में पूरे प्लेनेट में कोई नहीं है उसी दिन से आपकी कामयाबी शुरू होगी आपको एच जाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती लेकिन आपके मन में दूसरी लैला नहीं आनी चाहिए ये आपके दिमाग में को अपने आस ठोंक के रख लो कि इस लैला जैसी दोस्त दुनिया में कोई लैला नहीं है और जितने लोग भी छोड़ के गए हैं उनको पता होगा कि उनके क्या हालात हैं जितने लोग भी आज में नहीं है उनके हालात को आप देख सकते हैं और जो लोग हैं वो क्या इंजॉय कर रहे हैं अपनी इनकम को इंजॉय कर रहे हैं अपने टीम को इंजॉय कर रहे हैं टीम के कमिटमेंट्स को इंजॉय कर रहे हैं टीम के साथ जो कह रहे हैं सब सक्सेसफुली हो रहा है तो बिलीव मानिए इस प्रोग्राम के शुरू करने से पहले आज मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आपको अपने दिमाग में ये डाल लेना है, थोक लेना है कि मेरे लैला जैसी दुनिया नहीं पूरे प्लेनेट के अंदर कोई लैला नहीं है दोस्तों मेरी कामयाबी का केवल एक वजह है कि मेरी लैला जैसी पूरी दुनिया में कोई नहीं है ये मैंने डे वन से सीखा और वहीं से आज मेरे को तिरपन कंट्री का टूर मिला चार चार लग्जरी गाड़ी तीन तीन चार चार मकान दोस्तों जी चाह पैसा जी चाह लाइफ स्टाइल सभी को अच्छी एजुकेशन दिया बच्चों को बेटियों मतलब कुछ भी लाइफ में कमी नहीं है एक लोअर क्लास का व्यक्ति आज एक हायर अपर क्लास की लाइफ को एंजॉय कर रहा है मात्र पंद्रह सालों के अंदर पंद्रह साल अब मेरे को हो चुके हैं लेकिन मैं तो इंजॉय कर रहा हूँ पिछले दस साल से चार साल पांच साल ही तो केवल हमने वर्क किया है दोस्त यही चार पांच साल आपको भी डेडिकेशन के साथ वर्क करना है और कोई कुछ आए एक बात बोलो मेरी लैला जैसी कोई नहीं है मेरी वर्ल्ड का दोस्तों बेस्ट प्लान बेस्ट प्रोडक्ट बेस्ट प्रोफाइल बेस्ट प्रमोटर बेस्ट आपके अप्लायंस इससे अच्छा क्या मिलने वाला है कौन दुनिया में टियांस के पैरलर कंपनी है कौन दुनिया में टियांस ऐसे हेल्थ के प्रोडक्ट दे रही कौन ऐसी कंपनी दोस्तों क्राइसिस में भी आप सोच के देखो कि टियांस का बिजनेस बूम किया है हम लोग की इनकम जंप की है दोस्तों ये तो छोटी छोटी बातें थी इनकम के बारे में मैं आपको बताऊंगा आप हैरान हो जाओगे मेरे 42 की एज तक कभी मेरे अकाउंट में टेन थाउजेंड रुपीज नहीं हो पाते थे और आज ऐसा जादू करती है कि दोस्तों जब मैं सो के उठता हूं ना कभी कभी एक एक दिन ऐसा हुआ है मेरे साथ कि रात में मैं सोया हूं सुबह जब उठा हूं तो एक रात में मेरी पांच हजार डॉलर की इनकम है एक रात में दो हजार डॉलर पांच हजार डॉलर तीन हजार डॉलर एक हजार डॉलर दो हजार डॉलर ये हमारी डेली की इनकम हो गई है जो लोग महीने और साल के पैकेज की बात करते हैं वो दोस्तों आज हम डेली उस पैसे को एंजॉय कर रहे हैं। और दोस्त सबसे बड़ी चीज इसमें क्या है हमें अपने बच्चों के फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं है हमारा बेटा करोड़ों रुपए की इनकम से इस बिजनेस को कैरी ऑन करेगा जो कि अभी पढ़ रहा है एंजॉय कर रहा है तो ये मेंटल फ्री फाइनेंस फ्री और क्या मान सम्मान क्या पैसा क्या लाइफस्टाइल क्या इज्जत क्या शोहरत आप सभी लोगों का जो प्यार मिलता है जहां मैं जाता हूँ मैं तो सोचता हूँ कि यार क्यों हमको माला पहनाई जा रही हम तो इन सभी लोगों की वजह से कमा रहे हैं आज मैं जो हूँ ओनली ड्यू टी यू पीपल आज जो हमारी टीम है हमारे डेढ़ लाख लोग हैं आज जो इस पैनल में एक लोग जुड़े हैं उनकी वजह से दोस्तों मैं कमाया हूं और उन्हीं लोग हमको प्यार करते हैं हमको अपने फैमिली से भी ज्यादा अपनी टीम प्यारी हो गई है दोस्तों ये आप समझ दीजिए ये इस बिजनेस की मेन थीम है मेन पावर है और आपकी सक्सेस को यही आगे लेके जाएगी दोस्तों <coughs> तो फ्रेंड्स अभी हम लोग प्रोग्राम को शुरू करते हैं ये छोटी सी मेरी जर्नी थी और ये पक्का पता है कि हमारा हर आने वाला साल एक का नारा है और आज हम लोग इंडिया को पूरी दुनिया में नंबर वन पे लेके जाएंगे ये मेरा कमिटमेंट है अपनी पूरी टीम की वजह से क्योंकि आज हमारी टीम में जो लीडरशिप क्रिएट हो रही है जो जबरदस्त एक्साइटमेंट है जो हम लोगों ने बड़े बड़े प्रोग्राम और सेमिनार्स किए हैं उसका रिजल्ट है कि इतिहास इंडिया आने वाले 2022 में दोस्तों वो इतिहास रचेगा जो पिछले 22 सालों में नहीं रचा गया है तो फ्रेंड्स आज इस अपॉर्चुनिटी को शुरू होने से पहले मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आगे का 30 मिनट बहुत सीरियसली हमें देना है इतिहास क्या है ये अपॉर्चुनिटी दोस्तों हम जो प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं पोस्ट पैंडमिक अपॉर्चुनिटी दोस्तों आपने देखा होगा अभी पीछे कोरोना काल में 2020 से अभी तक क्या हालात थे और दुनिया के क्या